तो कहानी शुरू होती है रिचल नाम की एक लड़की से, जो कि गाड़ी में बैठकर एक शहर में जा रही होती है। उसका तो एक शॉप में जाती है और एक शॉप में वो देखती है कि शॉप की ओनर को एक मियाँ बीबी पैसे नहीं देते, उसको कम पैसे देते हैं, उसको ठगते हैं। तो रिचल इनको समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ये लोग इसका मजाक बना के जाने लगते हैं। तभी रिचल पकड़ती है इस बंदे के गोटे और इसको बोलती है, आज के बाद किसी गरीब के पैसे मत मारना, नहीं तो मैं तुम्हारी हुंड मार दूंगी। फिर वो वहां से निकल कर आती है अपने घर पर। हमें दिखाया जाता है रिचल का आलिशान घर और उसकी मदर उसको कॉल करती है और हमें पता चलता है कि रिचल का एक हेरिटेज क्लब है जहाँ पर ये पुरानी पुरानी साइट्स लोगों को विजिट करवाती है। और फिर वो अपने फादर की कब्र देखती है और फिर अपने बचपने को याद करती है कि जब ये छोटी थी तो इसके फादर के साथ ही घूमने निकली थी, दो लोगों ने आकर इसके फादर की हत्या कर दी और रिचल को बहुत बुरा लगा। फिर रिचल के पास बहुत सारी मीडिया आती है और ये अपने हेरिटेज क्लब की बहुत सारी प्रमोशन करती है। और तभी वहाँ पर एक रिपोर्टर आता है अली, वो इसको बोलता है कि रात को पार्टी होनी है तो क्या तुम हमारी पार्टी में आओगी। तो रिचल कहती है, यार मैं पार्टी अटेंड नहीं करती, लेकिन अली इसको मना लेता है। उसके रिचल आती है अपनी सहेलियों के पास, इसका नाम होता है हैना और इसकी दूसरी सहेली का नाम होता है सिडनी। ये इन दोनों को भी पार्टी में इन्वाइट करती है। उसके बाद ये सब लोग मिलकर पार्टी के अंदर आ जाते हैं। रिचल मिलती है विंसी से और उससे अच्छी अच्छी बातें करती है। हैना मिलती है लुइस से और वो उससे बातें करते करते उसके प्यार में गिर जाती है। और सिडनी मिलती है डेनिस से और वो उससे बातें करने लगती है। और ये तीनों अपनी अपनी सेटिंग कर लेते हैं और वन नाइट स्टैंड करने का प्लान भी कर लेते हैं। फिर ये लोग गाड़ी में निकल पड़ते हैं। लुइस एलिजो को फोन करके बोलता है कि हम लोग घर पर आ रहे हैं, हमारे लिए रूम का इंतजार कर दो, हम लोग यहाँ पर वन नाइट स्टैंड करेंगे। तो अलीजा कहता है ठीक है आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। उसके बाद अलीजा के घर पर ये सब लोग आ जाते हैं और अलीजा कहता है कि कुछ ड्रिंक्स वगैरह कर लो और खाना पीना खा लो, उसके बाद ऊपर जाकर एंजॉय कर लेना। लुइस हैना के लिए ड्रिंक बनाता है और वो उसे लेकर अपने रूम में चला जाता है और उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करता है। उतने में दिखाया जाता है विंसी, वो रिचल और सिडनी के ड्रिंक में कुछ नशीला मिलाता है। उसके बाद डेनिस सिडनी को लेकर बाहर आ जाता है और उसे चूमने लगता है और सिडनी को भी नशा होने लगता है। उसके बाद डेनिस उसको अपने रूम में ले जाता है और उसको और भी ड्रिंक पिलाता है। यहाँ पर विंसी इंतजार करता है कि रिचल वो ड्रिंक पिए और रिचल वो ड्रिंक पीकर बेहोश होने लगती है। तभी वहाँ पर अली आ जाता है और वो रिचल को टेबल पर लिटा कर उसके साथ गलत काम करने लगता है। उधर रूम में सिडनी के साथ डेनिस गलत काम करने लग जाता है, यानी कि तीनों के तीनों लोग गलत काम करने लग जाते हैं। और यहाँ रिचल के साथ अली बहुत ही ब्रूटल तरीके से डिंगडोंग कर रहा होता है और उसे शूट कर रहा होता है एलिजा। उसके बाद एलिजा भी रिचल के साथ गलत काम करने लगता है और यहाँ पर सिडनी अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन डेनिस उसका माथा दीवार में मारता है जिससे सिडनी मर जाती है। और यहाँ पर रिचल दिखाई जाती है जो कि बहुत ज्यादा दुखी होती है और वो याद करती है कि जब उसके फादर की डेथ हुई थी तो क्रियाक्रम जब हो रहा था तब वो इतना दुखी हुई थी जितना आज हो रही है। और वो एलिजा को पीट कर वहां से भागने लगती, लेकिन एलिजा उसको पकड़ लेता है और उसे मार के बेहोश कर देता है। इधर अली देखता है कि डेनिस ने सिडनी को मार दिया है। फिर ये सब लोग बात करते हैं कि अगर एक भी लड़की को हमने जिंदा छोड़ा तो वो हमारा पर्दाफाश कर देगी और हमें मरवा देगी, तो हमें इन सारी लड़कियों को मार देना होगा। और वो लुइस को मजबूर करते हैं कि जाके हैना को मारो। उसका लुइस हैना को नशे में ही उसका गला दबा के उसको मारने लगता है। फिर इन तीनों को ठिकाने लगाने के बाद ये लोग इन तीनों की लाश को ठिकाने पर लगाने निकलते हैं और ये लोग एक कब्र खोद कर तीनों को उसमें डाल देते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं। और यहाँ पर रिचल सपना देखती है कि उसके फादर का अंतिम क्रियाकर्म हो रहा है और ये छोटी बच्ची है। और तभी वो अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कि ये लोग हमें दफनाने वाले हैं और वो ऊपर बैठे हैं। तो वो वहां से निकल कर इन तीनों को पेल देती है। इन तीनों को मारने के बाद वो आती है एलिजा के पास और एलिजा रिचल का सामना करता है। यहाँ पर 1-on-1 इन दोनों की फाइट दिखाई जाती है। अंत में रिचल इसको पीट के इसको बांध देती है और इसका मोबाइल अनलॉक करके एक कॉन्टेक्ट निकालती है और इसे पता चलता है कि रिचल के फादर को एलिजा और उसके एक दोस्त ने मारा था। तो रिचल एलिजा की गर्दन काट देती है और बहुत ही ज्यादा थक जाती है वो और अपने घर पे आकर बेहोश हो जाती है। फिर यहाँ पे जो उसका नौकर होता है वो रिचल को संभालता है, उसकी थोड़ी सी मरहम पट्टी करता है उसी वक्त। और फिर रिचल अपने फादर की कब्र पर आती है और वहां से निकालती है एक हथियार और वो हथियार लेकर निकल पड़ती है यहाँ से और वो पहुंचती है उस दूसरे बंदे के पास जिसने रिचल के फादर को मारा था और वो उस पर हमला कर देती है और अपने हथियार से उसको पीट पीट के जान से मार देती है। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर ये फिल्म अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।